चलो अभी ध्यान देते हैं। अगर हम लोग उस दिन बोले थे हेडिंग पढ़ा देते हैं अमरराज। अमरराज में हमने कहा था कि एक आयतन सांद्र एजनो थ्री लिया जाए और तीन आयतन सांद्र एचसीएल लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, याद रखते रहना, पूछा जाता है सीधा सीधा सवाल, अमरराज किसे कहते हैं एक नंबर, ठीक ना? वो ऐसा नहीं कह सकते हो कि सांद्र HNO3 और सांद्र HCl के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अनुपात उसका याद रखना है, कितना कितना लिया गया, एक लिया गया HNO3 और तीन लिया गया क्या HCl। फोर्थ नहीं पे। अब देखो इनकी क्रिया से क्या बना था, नाइट्रोजन ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बना था और प्लस क्या बना था H2O और प्लस क्या Cl2। हमने कहा था निकलती तो मुक्त क्लोरीन है, यहाँ पे मुक्त क्लोरीन, जब भी हमको मुक्त परमाणु दिखाना होता है तो उसको बड़े कोष्ठक में रखते हैं हमेशा, हो गया, तो निकलता तो मुक्त क्लोरीन है। अब मुक्त क्लोरीन के कारण ही यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये भी हमने पढ़ा। अब जब क्लोरीन को कोई मिलेगा नहीं तो क्लोरीन क्या स्वतंत्र अवस्था में ऐसे रहता है, नहीं, क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, Cl और Cl आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं Cl2। इसलिए हमको कल वाली अभिक्रिया में क्या दिखा था, Cl2 दिखा था यहाँ लास्ट में, ठीक है ना। लेकिन अभी जब इसकी हम कोई ऑक्सीकारक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम केवल Cl लिखा है। जैसे नीचे लिखो, जैसे जल्दी लिखो तब अगला चैप्टर शुरू करें, जैसे हो गया अम्ल राज की क्रिया, जैसे अम्ल राज की क्रिया हो गया गोल्ड मतलब AU गोल्ड AU से कराने पर हो गया गोल्ड के ऑक्सीकरण से ऑरिक क्लोराइड बनता है, ऑरिक ऑरिक क्लोराइड बनता है, क्योंकि गोल्ड का लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम होता है ना, ऑरम, और जब इसका आयन बनता है AU के ऊपर 3+, कौन सा आयन बनेगा AU के ऊपर 3+, तब इसका नाम क्या पड़ता है, ऑरिक पड़ता है, और इसको जोड़ना किसके साथ था, क्लोराइड के साथ, तो बनता है ऑरिक क्लोराइड। अब सूत्र क्या बनेगा ऑरिक क्लोराइड का, अब ऑरिक का मतलब हमने पढ़ लिया कितना, AU पे 3+ और Cl का मतलब कितना माइनस, हो गया ना। अब तीन से एक कटेगा क्या इसका, नहीं, तो इसका तीन लिखेंगे Cl के नीचे और Cl का जो एक है लिखेंगे AU के नीचे, AU के नीचे एक का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, Cl के नीचे चला जाएगा कितना 3, सूत्र बन जाएगा AuCl3। तो आरिक क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया AuCl3, हो गया ना। ये प्रकार से क्या लिखे, आरिक क्लोराइड बनता है जो हो गया जो HCl में घुलकर आरिक अम्ल बनाता है, जो HCl में घुलकर आरिक अम्ल बनाता है
अब देखो रिएक्शन इसका कैसे होता है, क्योंकि अभी देखो ये जो AU है PT है ये दोनों अत्यधिक कम क्रियाशील धातुएं हैं, ध्यान देना अत्यधिक कम क्रियाशील अर्थात ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अभी हम लोग जब पढ़े होते तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत और प्रक्रम इस बार को हटा दिया तो वहां पे हम लोग पढ़ते कि जो धातुएं होती हैं भूपर्पटी में दो अवस्था में पाई जाती हैं, एक मुक्त अवस्था और दूसरी संयुक्त अवस्था। तो जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो बहुत कम क्रियाशील होती है, तो जमीन से जो सोना निकलता है या प्लेटिनम निकलता है ये अपने यौगिक के रूप में नहीं निकलता है, सीधे सीधे सोने के रूप में या प्लेटिनम के रूप में ही निकलते हैं, बस इनका हम लोग शोधन करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जमीन में से इनके मुक्त अवस्था में निकलने का कारण क्या है कि जमीन में इन्होंने किसी से क्रिया ही नहीं किया, किसी से क्रिया नहीं करने का मतलब इनकी क्रियाशीलता बहुत कम है, समझ गए। और जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है वो अपना यौगिक बना के पाई जाती है, जैसे तमाम प्रकार के हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, पहले भी पढ़े हुए बॉक्साइट एलुमिना गैलेना, उसके बाद तुम्हारा जिंक का तुमने पढ़ा जिंक ब्लेंड, बहुत सारे एक्ट पढ़े हो, 10 में एक्ट पढ़े होंगे, पढ़े हो ना। अब वो सब क्रियाशील धातुएं हैं इसलिए क्रिया करके अपना यौगिक बना लेती हैं। अब ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं। अभी जो हमने पीछे HNO3 का ऑक्सीकारक गुण पढ़ा ना, HNO3 के बारे में हमने कहा यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात यह धातुओं का ऑक्सीकरण कर देता है, लेकिन HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होते हुए भी AU का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है, अर्थात AU की क्रियाशीलता मान के चलो बहुत कम है, समझ गए। लेकिन जब हम अम्ल राज बनाते हैं अर्थात HNO3 में क्या मिला देते हैं HCl, तब ये जो मिश्रण होता है ये AU को भी ऑक्सीकृत कर देता है। तो कुछ यहां से समझ में आया कि जो HNO3 प्लस HCl है वो HNO3 से भी प्रबल ऑक्सीकारक, समझ गए। जिसका ऑक्सीकरण HNO3 नहीं कर पाया उसका ऑक्सीकरण अम्ल राज ने कर दिया, इसलिए इसका नाम अम्ल राज पड़ता है, मतलब अम्लों का राजा कह सकते हो, अम्ल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकारक। तो कोई भी अकेला ऐसा अम्ल नहीं है जो गोल्ड का ऑक्सीकरण कर पाए, लेकिन जब हमने इन दो अम्लों को मिला दिया आपस में तो एक ऐसा प्रबल अम्ल बन गया जो इन कम क्रियाशील धातुओं को भी क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अम्ल राज पड़ा है। तो अब देखो किस अभिक्रिया से इसने ऑक्सीकरण किया, पहले तो हमने पढ़ रखा है कि अम्ल राज है क्या, HNO3 और प्लस क्या HCl, किस अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। तो इनकी क्रिया से बना था नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, या कहें तो नाइट्रोजन हाइपोक्लोराइड, हमने कहा अगर ऑक्सी बोल दिए तब यहाँ पे ड बोलना, ठीक, और अगर तुमने हाइपो बोला तब लास्ट में क्या बोलना है, ड बोलना है, क्योंकि हाइपो बोलते समय ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, और अगर तुमने ऑक्सी बोल दिया तो मतलब ऑक्सीजन का नाम तुमने अलग से बोल दिया तो सीएल अकेले बचा ना, तो सीएल पे माइनस का नाम क्या होगा, क्लोराइड होगा, और प्लस में क्या बनेगा इसका H2O, और क्या निकला था यहाँ पे नवजात क्लोरीन। अब क्योंकि जब AU है इसके पास कौन आता है, नवजात क्लोरीन, तब AU इससे जुड़ जाता है, अभी तक की क्रिया में कौन आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, क्योंकि ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीजन देता है। अब यहां पर देखो क्या बनता है, अभी तो बता चुके हैं ऊपर क्या बनता है AuCl3। अब कैसे पता करें, हमने कहा कि AU के ऑक्सीकरण से AuCl3 बना देता है, उसमें पढ़ो ध्यान से, जो हमने ऊपर लिखवाया क्या लिखवाया, उसमें हमने लिखवाया कि जब अम्ल राज की क्रिया किससे कराते हैं, गोल्ड से कराते हैं, तो क्या होता है कि यह गोल्ड ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल जाता है, आरिक क्लोराइड में बदल जाता है। तो कैसे कहें कि इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसमें तो ऑक्सीजन का योग ही नहीं हुआ, क्या हाइड्रोजन पृथक हुआ, नहीं हुआ, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, पृथक कहां से होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा ऑप्शन हमने जो बताया था, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण के लिए क्या बताए थे, ऑक्सीजन के लिए हमने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, और ऑक्सीकरण के लिए हमने क्या बताया, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। जब भी किसी का ऑक्सीकरण होता है तो हमेशा याद रखो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जो ऑक्सीजन वाला जो है बस उसका उल्टा याद रखना ऑक्सीकरण के लिए।
अब एयू अकेला है तो इसके ऊपर कितना आवेश होगा, शून्य होगा, होगा ना। और यहां पे देखो सीएल क्या बनाता है, माइनस एक, और कितने सीएल है, तीन, तो माइनस तीन हो गया कुल, और क्योंकि यौगिक में जितना ऋणावेश उतना ही धनावेश, तो अगर माइनस तीन है तो एयू पे कितना प्लस आएगा, तीन प्लस, तो देख रहे होंगे पहले था जीरो अब हो गया कितना प्लस तीन, तो बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, बढ़ा, इसका मतलब एयू का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, हो जाएगा। अब क्या होता है, ये जो AuCl3 बना, अभिक्रिया यहीं पे नहीं रुकती है, जो AuCl3 बना है ना वो पुनः HCl से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, HCl से, और क्या बन जाता है जी, आरिक अम्ल बनता है, मतलब HAuCl4, ये एक संकुल यौगिक अर्थात उप सहसंयोजी यौगिक होता है, जिसे हम लोग इस चैप्टर में ठीक बात पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑक्सीजन वाला खत्म कर ले, हैलोजन वाला खत्म कर ले, तो मान चलो 10-15 दिन बाद ये वाला चैप्टर शुरू होगा, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बस इसका नाम याद रखो और ही कम है, वहां पे पहुंचने के बाद हम लोग साफ समझ लेंगे इसका नाम अम्ल क्यों पड़ा, इतना बड़ा ये क्यों बना हुआ है। अम्ल में तो साधारण रूप से हम लोग अभी तक यही देखे हैं, HCl देखे हैं, H3PO4 देखे हैं, और उसके बाद H2SO4 देखे हैं, अभी हमने HNO3 भी देखा, तो ऐसा ऐसा देखे ना, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा कोष्ठक क्यों लगा, बड़ा कोष्ठक हटा के तुम छोटा क्यों नहीं लगा सकते थे, तुमने अगर मान लो ये प्रकार से एक पढ़ाई होगी कि ये कोई गलत हम लोग में तो कोई मिलता नहीं है, मान लो यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं Al2SO4 थ्राइस, यहाँ पे छोटा कोष्ठक लगाते हैं, तो यहाँ पे छोटा कोष्ठक क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी तो छोटा कोष्ठक लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाया हमने, ये सब कारण हम लोग वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है हमको, बस इतना जानते रहो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है ना, और जब जल में जाएगा तो इसका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा H प्लस के रूप में, और कोई भी मित्रण या कोई भी यौगिक अगर H प्लस आयन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, अम्ल है, हो जाएगा। अब क्या करना है, इस अभिक्रिया को जोड़ लो, जोड़ना चाहो तो है यहाँ पे, यहाँ अच्छा 2Cl कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना करना होगा, तीन करना होगा हमें तब, क्योंकि AuCl3 दोनों तरफ तीन तीन है ना, और ये संतुलित है, ये संतुलित है। अब देखो ऊपर वाला संतुलित तो है, है? देखो ठीक है ना। अब देखो इनको जब जोड़ने जाएंगे तो हमने वहां पे ऑक्सीजन खत्म किया ना, क्योंकि क्या क्लोरीन कभी स्वतंत्र अवस्था में रहता है, नहीं, क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में रहता है, तो क्लोरीन अभिक्रिया में बचा तो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्लोरीन को कभी स्वतंत्र अवस्था में अभिक्रिया में हम दिखा ही नहीं सकते, यही तो परमाणु की खासियत होती है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हो गया ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमको करना क्या है, ठीक है, अब संतुलित है ना, चलो ठीक है। अब क्या करना है, इसमें देखो तीन क्लोरीन है और यहाँ पे कितना क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, पहला काम तो क्लोरीन को तुम बराबर करो, जैसे इक्वेशन 10 में बराबर करते थे, एक तीन अक्ष होता था एक दो अक्ष होता था, तो क्या करते थे, दोनों में उल्टा करते थे ना, एक में तीन का एक में दो का उल्टा, तो अब इसमें देखो इसमें तीन का गुणा कर दो अगर, कितने का गुणा, तीन का, तो तीन दूनी छह हो जाएगा ना, और इसमें तब कितने का गुणा कर दो, दो का गुणा कर दो, तो ये भी तीन दूनी कितना हो जाएगा छह, माने क्लोरीन बराबर होना चाहिए, क्लोरीन बराबर नहीं की हो तो अभिक्रिया गलत मानी जाएगी। अब क्लोरीन तुमने बराबर कर दिया तो तीन क्लोरीन तीन दूनी छह इधर हो गया, और तीन दूना छह इधर हो गया, एक बराबर के इधर है एक बराबर के उधर है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में है, बचा क्या हमारे पास, ये तीन HNO3 बचा, बच रहा है, और उसके बाद ये तीन दियाई नौ, सभी में गुणा होगा और एक नीचे कितना HCl 10 HCl। अब यहां से कुछ लोग को देखने के बाद दुविधा उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि अम्ल राज में जो अनुपात होना चाहिए था, एक अनुपात कितने का होना चाहिए था,
तीन, तो अगर ये वाला तीन हुआ तो ये तीन तीन नौ ही तो होना चाहिए था, दस क्यों हुआ है? क्योंकि ये नीचे वाला जो एच सी एल है उसको हमने इसमें ऐड किया है। अगर अपनी दुविधा को दूर करना चाहते हो तुम तो नौ एच सी एल ही यहाँ लिखो, लेकिन प्लस ए यू सी एल थ्री फिर प्लस एच सी एल एक बार हो जाएगा, लेकिन इतने समझदार हो समझ सकते हो। इसमें दो से गुणा UCL3 भी दो है और फंसेंगे तब। अच्छा दो का बुरा कर दें, ये काम करें ऊपर वाले दोनों को जोड़ लें फिर नीचे इसको अलग लिख लें। देखो एक काम करते हैं, ये वाला ऊपर वाले दोनों को ऐड करो नीचे इसको अलग लिख लेंगे ये प्रकार से, इसको दोनों पहले ऐड कर लो कितना होगा तीन एच एन ओ थ्री और प्लस नौ एच सी एल, उनको दुविधा भी नहीं होगी अब अनुपात भी सही चलेगा, और प्लस क्या लिखेंगे ए यू, ये ए यू लिखना है कैसे लिखना है दो ठो लिखना है, सी एल सी एल तो कट ही गया खत्म, तीर के बाद आ जाओ तीर के बाद ये बचा और नीचे वाला बचा, तो एन ओ सी एल कैसे बचेगा तीन एन ओ सी एल और प्लस क्या ये छह एच टू ओ और प्लस क्या ए यू सी एल थ्री कई है दो ठो है ए यू सी एल थ्री। अब ए यू सी एल थ्री वाली क्रिया नीचे लिख दो, अब जो ए यू सी एल थ्री बना हुआ है वो किसमें घुल जाता है, किसमें घुलता है एच सी एल में घुलता है और अपना अम्ल बना लेता है एच ए यू सी एल फोर, जिसको हम नाम क्या देते हैं आरिक अम्ल, हो गया नोट कर लो इसको, नोट करो चैप्टर समाप्त अगले चैप्टर पे चलते हैं, अब आगे कुछ बचा नहीं है इसमें। अब हाँ गलत माना जाएगा, अभी हम लोग कारण वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी लिखो चैप्टर का नाम, अब ऑक्सीजन परिवार, कौन सा वर्ग जी वर्ग 16 के तत्व, हो गया ऑक्सीजन परिवार वर्ग 16 के तत्व, हो गया ना। अब लिखो ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को, और इनके बारे में सामान्य जानकारी जानते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को हो गया दीर्घाकार आवर्त सारणी के दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या 6A इतना तो पता ही होगा, वर्ग 16 या 6A में रखा गया है, हो गया ना। आगे लिखना इस वर्ग में
इस वर्ग में हो गया कौन कौन से तत्व हैं, ऑक्सीजन 8, फिर सल्फर 16, फिर सेलेनियम 34, फिर टेल्यूरियम 52, फिर पोलोनियम 52 में, एक मिनट, 34, 18, 52 होता है ना, 52, 32 जुड़ेगा तो 84 हो गया तत्व है। तो कौन कौन से हो गए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसके बाद अभी 116 वाला भी एक तत्व है, 116, जिसका नाम होता है यू यू और उसके बाद एक्स, यूएच। इसको तुम लोग 11 में पढ़ चुके हो, जब बताया गया था 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का यूपीएससी नाम 101 से 120 तक लिखवाया गया होगा, ठीक है ना, तो उसको पढ़ चुके होगे 11 में। इसका होता है 116, लेकिन ये कोई महत्व का नहीं है, इसके यूपीएससी नाम के हिसाब से इसको पढ़ा जाता है, इसलिए बस हम लोग केवल कितने तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, 3 और 2, 5 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। छठवां तत्व इसको हमने छोड़ दिया, चाहो तो लिख भी सकते हो, यूयूएच अन अन हेक्सियम इसका नाम है, अन अन हेक्सियम 116 हो गया। अब परमाणु क्रमांक कैसे याद करना है तो पता ही है, पहले 8 जोड़ना है और उसके बाद 8 के बाद फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है और उसके बाद 32 जोड़ना है, और अगर आगे वाला जाना चाहते हो तो फिर 32 जोड़ना है तुम्हें, हो गया ना। ये प्रकाश सिंह का परमाणु क्रमांक याद रख सकते हो, मतलब रटने की जरूरत तुम्हें नहीं है, बस तत्व का प्रतीक रट लो, परमाणु क्रमांक आसानी से याद होगा। पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक कैसे याद करना है, पहले से दूसरे के लिए कितना जोड़ना है, 8, फिर दूसरे तीसरे में 18, फिर 18, उसके बाद 32 और फिर 32। ऐसा हम लोग क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तुम लोग को तत्वों की संख्या पता होगी, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 होता है ना, क्योंकि 2 और 8 तो पहले ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि 2 तो पहले ही आवर्त में खत्म हो जाता है और दूसरे आवास में चल रहे हो तो 8 भी समाप्त है, दूसरे से अगर तीसरे में जाना चाहते हो तो ये वाला 8 बचता है, फिर उसके बाद 18 बचता है, 18 बचता है, 32 बचता है और क्या बचता है, 32, तो यही तुमको ऐड करना होता है, ऐड कर लो, सबके परमाणु क्रमांक आसानी से तैयार है, सी ब्लॉक में चाहे जिसका याद करना चाहते हो जाएगा। अभी हम लोग सब वर्ग पढ़ रहे हैं, 15 भी हमने पढ़ा, उसमें भी हमने देख लिया कौन कौन से तत्व हैं, उनका परमाणु क्रमांक याद रखना है, वैसे ही जोड़ के याद कर सकते हो। इसके बाद जो हम लोग हैलोजन परिवार पढ़ेंगे उसमें भी यही 8, 18, 18, 32 और 32 जोड़ के याद कर सकते हो जाएगा। सेलेनियम, सेलेनियम और टी है टेल्यूरियम, यह तो हम लोग मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में भी पढ़े होंगे, इसका आयोडीन के साथ टक्कर हुआ था, परमाणु भार के क्रम में आयोडीन से ज्यादा है ये, लेकिन परमाणु क्रमांक के क्रम में पीछे रहता है, हो गया लिख लिए इसको, ये तो तत्व हो गए। अब इसमें देखो पोलोनियम, क्योंकि जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें अब तक कितने तत्व हो चुके हैं, 118 हो चुके हैं ना, 118, तो इसमें जो परमाणु क्रमांक 82 के बाद वाले तत्व हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्या है, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव का मतलब इनका धीरे धीरे विघटन होता रहता है, इससे अपने आप अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, जिससे तुमने अगर रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में सुना होगा, तो हम पढ़ते रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु, कि कितने समय में वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, ये अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे, सांद्रता नहीं बोले, कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा वो उसकी क्या होती है, अर्ध आयु होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 82 की बाद वाले हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो पोलोनियम का कितना है, 84, इसका मतलब पोलोनियम भी कैसा है, रेडियो एक्टिव है,
इसलिए जो भी हम गुड़ के बारे में चर्चा करेंगे वो पोलोनियम को छोड़ने के बाद करेंगे, अर्थात केवल कितने तत्वों के गुणों की चर्चा करनी है हमें, चार, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, बस चार की चर्चा करनी है। पोलोनियम को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, धीरे धीरे विघटित होता रहता है, इसलिए उसके गुण की ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है। हो गया, तो लिखो इसमें कहां तक लिख लिए, तत्व है ना, आगे लिखो, पोलोनियम को छोड़कर, पोलोनियम को छोड़कर, पोलोनियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों को, पोलोनियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों को पोलोनियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों को हो गया कैल्कोजन कहते हैं। कैल्कोजन ये शब्द अंडरलाइन कर लेना, पूछा जा सकता है। कैल्कोजन कहते हैं हो गया, क्योंकि धातुओं के अधिकांश यौगिक, क्योंकि धातुओं के अधिकांश यौगिक इन्हीं तत्वों के साथ बने होते हैं, क्यों जी, जब हम कोई भी धातु बोलते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं धातु का ऑक्साइड, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, कोई भी धातु बोलो चाहे अधातु बोलो, कहीं भी हमने पढ़ लिया, अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आ रहे हैं, जब यौगिकों का गुण पढ़ने गए तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्साइडों का गुण, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई भी धातु बोल दो उसका सबसे पहले क्या बोलते हो, ऑक्साइड बोलते हो, तो ऑक्सीजन इसी का है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सल्फाइड, अभी भूपर्पटी में जो अयस्क पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऑक्साइड अयस्क पाए जाते हैं, फिर कौन से पाए जाते हैं, सल्फाइड अयस्क, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा इन्हीं की है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं, अर्थात ये सर्वव्यापी समझ लो है। तो कैल्कोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि धातुओं के अधिकांश यौगिक इन्हीं तत्वों के साथ बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, कैल्कोजन, वो भी इसमें सेलेनियम और टेल्यूरियम का ज्यादा योगदान नहीं है, ज्यादा योगदान किसका है, ऑक्सीजन का और सल्फर का, लेकिन जब इनको कहा जाएगा तो साथ में ये भी है, इसलिए ये भी मिल जाते हैं उसी में, ठीक है ना। तो आगे देखो कहां तक लिखे, बस जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे ऑक्साइड तथा सल्फाइड, जैसे ऑक्साइड तथा सल्फाइड, जैसे ऑक्साइड तथा सल्फाइड, हो गया ना, नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोष्ठक में लिख देना 46.8%, 46.8%, कहीं कहीं 50% भी दे देता है, हो गया, कोष्ठक है,
कहने का मतलब हमारे पास है 118 तत्व और ये किसी भी न किसी प्रकार से भूपरपटी में अवश्य पाए जाते हैं। तो इन 118 तत्वों का मान के चलो लगभग आधा भाग कौन है? ऑक्सीजन। ये याद रखे रहना, आधा भाग 50% के लगभग है। मतलब अगर तत्वों का 100 भाग है तो उसमें से 50 भाग केवल किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। बाकी के 50 भाग में बचे हुए 117 तत्व रहते हैं। समझ गए ना? ध्यान दिए रहना कितनी ज्यादा महत्ता है इसकी। अभी हमने बताया ना, किसी भी तत्व की चर्चा करो तो सबसे पहले उसका ऑक्साइड हम पढ़ते हैं और भूपरपटी में सबसे ज्यादा ऑक्साइड अयस्क ही पाए जाते हैं। अब चाहे तुम किसी का क्षार पढ़ो उसमें भी ऑक्सीजन होता है, अम्ल पढ़ो उसमें भी ऑक्सीजन होता है, लवण पढ़ लो उसमें भी साधारण रूप से ऑक्सीजन रहता है। मतलब ऑक्सीजन हर जगह होता है। कार्बनिक यौगिक पढ़ो, कार्बनिक यौगिक 95% ऐसे हैं, 97% ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। चाहे वो अल्कोहल होगा, चाहे अम्ल होगा, चाहे तुम्हारा ये प्रोटीन होगा, चाहे तुम्हारा डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, हर जगह पे ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना? तो आगे लिखो। अभी हम लोग जैव अणु पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन होता है और प्रोटीन में भी ऑक्सीजन होता है, डीएनए आरएनए में भी ऑक्सीजन होता है। संभवतः अभी तो 2-3 खंड वहां से भी हटा दिया है। चलो देखो, अब आते हैं आवर्त सारणी में इनके गुण क्या क्या है। ये तुम्हारा उपस्थिति हो गई, कहां पर उपस्थित थे। अब जैसे उसमें पढ़े थे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुण, वैसे ही ऑक्सीजन परिवार का पढ़ना है। तो अब यहाँ पे हम ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सब चीजों की चर्चा हो चुकी है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या थी, संयोजकता क्या थी, और उसके बाद जो इनका ये क्या बताए थे हम लोग, जो श्रृंखलन का गुण वहां पढ़े थे और अपर रूपता पढ़े थे, वहां पे सब परिभाषा के साथ लिखवाया गया। इसलिए यहाँ पे हम कोई भी परिभाषा नहीं लिख पाएंगे, बस हेडिंग बोलेंगे, उसके अंदर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था संयोजकता क्या है, बस सीधा सीधा बोल देंगे। समझना होगा तो पीछे जाके पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। तो कभी पूछेगा नहीं ये सब, केवल इनमें बस यही पूछेगा, जैसे इसमें छोटे छोटे सवाल जैसे वहां पे बने थे ना कि नाइट्रोजन 5 संयोजकता क्यों नहीं प्रदर्शित करता है, PCl5 संभव है परंतु NCl5 संभव क्यों नहीं है, वही छोटे छोटे सवाल। ये सवाल यहाँ भी लिखवाएंगे, वैसा तो यही सवाल छोड़ देंगे, सवाल उसका अलग तरीके से होगा ना, तो सवाल यहाँ भी लिखवाया जाएगा। लेकिन वहां पे जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि इसे संयोजकता कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, इसे अपरूपता कहते हैं, इसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं, तो ये सब यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। मतलब बार बार हर चैप्टर में परिभाषा लिखने का क्या मतलब है, एक बार लिख लिए परिभाषा पीछे जा पढ़ लेना कि श्रृंखलन। अब तुमसे श्रृंखलन यहाँ पे हम बताने जाए तो फिर पूछो कि श्रृंखलन क्या होता है, ये तो कोई तर्कसंगत नहीं है। अपरूपता पढ़े फिर पूछो अपरूपता क्या होता है, संयोजकता पढ़ा के पूछो संयोजकता क्या होता है, ये तर्कसंगत नहीं है। पीछे हमने लिखवा दिया, परिभाषा पढ़ लो। हाँ, यहाँ के चैप्टर की जो चीज है वो नहीं समझ में आ रही तब बताएंगे इसको। लिखो इसमें फटाफट हेडिंग, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, आज घर पे पूरी रात पढ़ के होगा मन। जना आराम से बैठे तुमको देखने वाला कौन सी छूट गई। चलो देखो, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो ये किस वर्ग के तत्व है जी, 6 वर्ग के तत्व है, तो इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब क्योंकि जो हमारे पास उपकोष होते हैं, यत होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और क्या होते हैं, यप होते हैं, तो पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में आता है, आता है। अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, यप से ही शुरुआत होगी, किसी भी कोष की शुरुआत पहले यप से ही होती है, तो 6 भरना है तो यप में कितने भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 6 भरना था 2 यप में भर गया, बाकी बचे कितने, 4 बचे। अभी पी में कितना हो सकता है, अधिकतम 6 हो सकता है, तो पी में 6 हो सकता है, हमारे पास 4 ही है, इसका मतलब पी में इस 4 को आसानी से भर सकते हैं, डी में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको जो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उनका विन्यास क्या मिलने वाला है, यस में 2 रहेगा और पी में क्या रहेगा, 4 रहेगा ना,
सामने क्या लगाएंगे जी, यन लगाएंगे, जहां यन उसका बाहरी कोष को बताएगा। ठीक, जैसे ऑक्सीजन का जब लिखने जाएंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, प्रारंभ तो हमने देख रखा कैसे होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, यहां तक का ठीक है, छोड़ते हैं अभी। अब हमने देखा इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, p में अधिकतम दो भरता है, ये s में अधिकतम दो भरता है और p में 6, d में 10 और f में 14, इस प्रकार से भरता है। तो शुरू करना है हमको 1s से, 1s 2, फिर 2s 2, दो ही दो भर सकते हो इसमें, फिर 2p में गए कितना भर सकते हो, 6 भर सकते हो, लेकिन गिन लो कितना हो गया है, 2 2 4 और 6 4 10, था हमारे पास कितना 8 ही था, ठीक रहा है, 10 नहीं जा सकते हो, दो कम करना होगा, 6 से 2 कम करके कितना करोगे 4 करोगे ना। अब चूंकि जो सामने संख्या दिख रही है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही बाहरी कोष होता है, मतलब इसमें बाहरी कोष क्या है, बाहरी कोष दूसरा है ना। तो अब देख लो दूसरे वाले को टिक मार्क कर लो, इसकी तरह मिला कि नहीं मिला, जो यन है यन की वैल्यू कितना रख दो 2, तो 2 रखे तो 2s 2 मिला तुमको, मिला, और यहाँ पे 2p 4 मिला, मिला ना, दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सबका मिलेगा। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, सल्फर, सल्फर का लिखोगे तो 1s2 2s2, फिर 2p में कितना 6, अभी 10 ही पहुंचे, ज्यादा कितना है 16, 2p के बाद देखो कौन आया 3s, कितना 2, 3s के बाद 3p, कितना भर सकते हो 6, परंतु कितना हमको करना है 16 ही करना है ना, तो यहाँ पे 4 पे ही रुक जाएंगे। फिर तुम देखोगे इस बार बाहरी कोष कौन दिखा तुम्हें, 3 दिखा, तो 3 को अंडरलाइन कर लो, देख लो 2 दिखा और कितना दिखा 4, जो यहाँ पे हमने बताया था, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सल्फर के बाद सेलेनियम का कितना होता है 34, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, अभी हम पहुंचे 18 तक, हमको जाना कहाँ तक है 34 तक, देखो 3p के बाद कौन आ रहा है, फिर यस में मैक्सिमम कितना 2, यस में कितना होता है 2 और 3d में 10 और उसके बाद डी में 10 होता है अधिकतम, अभी भी 30 से ही पहुंचे हम लोग, कितना जाना अभी आगे 4 और जाना है, क्या होगा जी 4p ना, 4p 4p में कितना 4, अब सबसे बड़ा वाला कौन दिखा तुमको सामने 4 दिखा, तो 4 वाले को अंडरलाइन करना, भले ही बीच में 3 घुस गया है, अंडरलाइन केवल 4 वाले को करना है, तो 4 में फिर देखो यस में 2 दिखा और पी में कितना दिखा 4, मतलब यही वाला फिर से दिख रहा है ना, S2 और P4, मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इस वर्ग के चाहे जिस तत्व का लिख लोगे बाहर तुमको यही मिलने वाला है, S में 2 और P में 4, इसलिए हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते हैं इनके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि इनकी वर्ग संख्या से पता चल रहा है, 6 ए वर्ग है इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, पिछले 5 ए वर्ग था इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनका बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Ns2 Np4 होगा, जो कि सभी तत्वों के अंत में हमको दिखेगा, हो गया ना। तो फटाक से लिख लो, फिर इसको 3 को छाप लो, बाकी का काम करते रहना, कहां तक लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेडिंग लिखो ना, इसमें लिखो क्योंकि इन तत्वों के बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इन तत्वों के बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन तत्वों के बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गया, अतः इनके ये काले पेन से लिखना, अतः इनके बाह्य कोष का, अतः इनके बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अतः इनके बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
सामान्य, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NS2, NP4 होता है जैसे, अब इनको उतार लो फटाफट, हो गया ना। इसमें बाहरी कोष 2 है, इसमें बाहरी कोष 3 है, इसमें बाहरी कोष कितना है 4 है। इसके बाद के जो दो तत्व तुम्हारे बचे हुए हैं, सेलेनियम के बाद टेलुरियम 54 वाला, नहीं 52 था ना, टेलुरियम 52, और उसके बाद जो तुम्हारा पोलोनियम 84, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही जो पूरा क्रम लिखवाए थे ना उसके हिसाब से उसका भी लिख सकते हो, तो उसमें भी तुमको बाहर यही मिलेगा H2 और कितना P4। अब ये खत्म हो गया आज, पहले फिर से पाई के वाला पूरा अध्ययन कर लेना पीछे का, मतलब इतना गुड़ है उसमें परिभाषा पूरा अध्ययन कर लेना, कल फटाफट इनको लिखवा देंगे। और इसमें ज्यादा चीज नहीं है, जो H2SO4 सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा था उसे हटा दिया, इसलिए मान के चलो ये चैप्टर तुम्हारा 3 या 4 दिन में समाप्त होने वाला, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम लोग बीच में समझने में टाइम लगाए उसके बाद फिर टाइम बढ़ेगा, जितना जल्दी खत्म करवाना चाहते हो तुम्ही लोग के ऊपर है, बाकी चीजें इसमें कल पढ़ेंगे अब।